तो बेहद अहम दिन है आज चंद्रयान 3 के लिए, लेकिन क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग होंगे, कितना कठिन है ये ऑपरेशन, इसको समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष विज्ञानी और साइंस कम्युनिकेटर सचिन भांबा जुड़ गए हैं। सर, जी न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो इसी चीज को लेकर है कि आज ये जो ऑपरेशन होने वाला है, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर, ये अलग अलग होंगे, तो जो इंटर मॉड्यूलर कौन है, ये अलग होने से सेपरेशन होगा, लेकिन कितना कठिन, कितना चैलेंजिंग है ये पूरा ऑपरेशन, और इसको अंजाम देने के बाद आगे का सफर चंद्रयान कैसे तय करेगा? देखिए, पहले तो हम ये समझें कि हमारे को यहां से अगर चंद्रमा से कुछ भी कम्युनिकेट करना है, तो जब हम यहां कुछ कमांड देते हैं तो उसके एक सेकेंड के बाद वो कमांड वहां पहुंचती है और हमें रिएक्शन दिखता है, और बहुत सारे हजारों इंस्ट्रूमेंट एक साथ काम करेंगे। यानी जब दो चीज़ों को अलग करना है तो कोई धमाका कराना है, कुछ चीज़ें ब्रैकेट से अलग होनी है, उसके बाद उन सेंसर धमाके से हमारे जो सेंसर्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनकी टेस्टिंग होनी है, फिर उसके बाद चांद की सतह जहाँ पे हम उसको उतारना चाह रहे हैं उसका हमने मैपिंग करनी है। दो हमारे पास चंद्रयान 2 से बहुत अच्छे मैप्स हैं, लेकिन उतरने से पहले उसका एक फाइनल सर्वे होना है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहे हैं वो भी उस धमाके के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही नाजुक क्षण है हमारे लिए। और अगर ये बिल्कुल ठीक से हो जाता है और इसके बाद हमारा जो लैंडर है उसको हम थोड़ा सा डी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कम करके उसको उस ऑर्बिट में लाना चाहेंगे जहां चंद्रमा पे उतारना उसको आसान हो जाए, तो ये सारे के सारे बड़ी मुश्किल घड़ियां हैं। बिल्कुल, यही डी बूस्टिंग जो फेज है वो इसके बाद का अगला चरण होगा। बने रहे सचिन भाबा जी हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को जरा ये बता दें कि आखिर इसमें जो तीनों मॉड्यूल हैं वो अलग अलग कैसे अलग होंगे, कैसे अपना अपना काम करेंगे, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद क्या करेगा, इसके अलावा जो विक्रम लैंडर है वो अलग होगा, और साथ ही इसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा, यानी दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 100 गुना 100 किलोमीटर की जो कक्षा है उसके अंदर ये जाएगा। यानी ये देखिए, ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके बाद ये विक्रम लैंडर, ये विक्रम लैंडर यहां पर, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये अभी तक धरती से 14 जुलाई को यहां से रवाना होने के बाद तक ये दोनों साथ में थे, यानी चंद्रमा की कक्षा में इसे करीब तक पहुंचाने में प्रोपल्शन मॉड्यूल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और अभी भी ये प्रोपल्शन मॉड्यूल बेकार नहीं जाएगा, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा के अंदर चक्कर लगाता रहेगा, और इसके अंदर कई ऐसे जो सेंसर्स हैं जो यहां से जो शेप एक पेलोड है जो कि धरती का जो मॉनिटरिंग है वो करेगा, इंफ्रारेड मॉनिटरिंग, वो यहां पर काम करता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विक्रम लैंडर, ये विक्रम लैंडर यहां से अलग होगा, यानी अभी इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है विक्रम लैंडर, तो विक्रम लैंडर के अंदर ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, ये वो लैंडर है, करीब 1738.86 किलोग्राम इसका वजन है, और उसके बाद यहां से आगे का सफर ये अकेले ही तय करेगा। यानी आज जब ये सेपरेशन हो जाएगा, यानी ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और ये विक्रम लैंडर जब अलग अलग हो जाएंगे, तो यहां से विक्रम लैंडर को ही अकेले लैंड करना होगा, क्योंकि ये तो चंद्रमा के ऑर्बिट में ही रह जाने वाला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, और विक्रम लैंडर जिसके अंदर मौजूद है वो प्रज्ञान रोवर, ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल्स हैं, और करीब करीब इसके अंदर ये जो प्रज्ञान रोवर है ये इसमें से बाहर निकलेगा, ये वो रोवर है जो कि विक्रम लैंडर के लैंड करने के बाद उसमें से बाहर निकलेगा, और उसके बाद चंद्रमा की सतह के ऊपर मून वॉक जिसे कहा जाता है वो मून वॉक करेगा, और लैंड होने के बाद ये इसके अंदर कई परीक्षण करेगा। यानी विक्रम लैंडर से एक रैंप बाहर निकलेगा, उस रैंप के ऊपर चलते हुए इन नन्हे नन्हे पहियों से, क्योंकि बेहद छोटे बेहद सेंसिटिव ये पहिए हैं, लेकिन इसके अंदर करीब 50 वाट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है, और ये सोलर पैनल लगा हुआ है, जो सोलर पैनल बंद भी हो जाता है, खड़ा भी हो जाता है, और इसकी डायरेक्शन यानी जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल ये करेगा, और इस जो तमाम जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ भारत बहुत सारे परीक्षण करने जा रहा है। सचिन भामा जी का हम रुक एक बार फिर करेंगे। सचिन भामा जी, हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से तीनों मॉड्यूल जो है वो अलग होंगे, यानी विक्रम लैंडर, उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर, लेकिन ये जो आज प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होगा ये भी चंद्रमा की कक्षा के अंदर बेकार नहीं जाएगा, बल्कि घूमते घूमते बहुत सारे प्रयोग इसको करने हैं, बहुत सारे जो जानकारियां हैं वो इसे भेजनी है। ये जो शेप इसके अंदर पेलोड है इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और जो इसरो का जो शोध है उसके लिहाज से इसकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े देशों के लिए जो हमसे पहले चांद पे जा चुके हैं उनके लिए भी एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म नहीं हो पाया। हम ये एक्सपेरिमेंट करने की सिचुएशन में क्यों आए, क्योंकि हमारे पास चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है, तो हमारे को ज़्यादा चिंता नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए अपने लैंडर से और रोवर से, तो हमने एक अजीब सा, एक नया इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट डाला कि अगर माने
कि किसी ग्रह के ऊपर अगर जीवन है तो उससे आने वाली लाइट की अगर स्पेक्ट्रोग्राफी की जाए तो ये देखा जाए कि हमारे पे हैबिटेबल प्लैनेट से जो हमें स्पेक्ट्रोग्राफी मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है, यानी अगर वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ हो और वो लाइफ वहाँ पे कुछ ना कुछ करे, जैसे हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खुराफती दिमाग होता है, इंटेलिजेंट दिमाग जो होता है, क्यूरोसिटी होती है उसमें, तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं, नदियों के रुख बदल दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एक हैबिटेबल प्लैनेट की स्पेक्ट्रोग्राफी कैसे होती है ये पहली बार डाटा लिया जा रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि मान लीजिए हम किसी मिशन से कहीं किसी जगह की स्पेक्ट्रोग्राफी कर रहे हैं और देखते हैं कि वहां से हमें पृथ्वी जैसा डाटा आ रहा है, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि वहां पे कोई इंटेलिजेंट लाइफ या जीवन है। ये केवल चांद ही नहीं बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत सारी नई जानकारियां चंद्रयान 3 जुटाने वाला है। ज़ी न्यूज़।